Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 627. Ya Ali Madad. Friday, 18th of January, year 2002. My wife in Richmond Jamaat Khana of Vancouver on Pisadar Deen's Bujnirinjan. Ya Ali Madad. थोड़ी प्रिफेस बोलूं। सबसे पहले सलाम और सुजूद अपने मालिक इमाम जमान शाकर हज़र इमाम पे सलवात पढ़ो अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दीनदारो, मुझे जब ये कहा गया कि भुज निरंजन के ऊपर वाइस करनी है तो मैं मन मन में जरा मुस्कराया। बात क्या है, हमारे पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने बहुत इल्म लिखा है। पीर सदरुद्दीन की लाइफ के लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं ताकि पता लगे कि पीर सदरुद्दीन दुनियावी नजर में कैसे थे। वो जमाने के अंदर 600 बरस पहले इंडिया में जो बनारस, आज उसको बनारस कहते हैं लेकिन उस जमाने में उसका पुराना नाम है काशी, और हिंदुओं के हिसाब से काशी पवित्र गांव है, जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है। गुरपीर सदरुद्दीन काशी गए, बड़े बड़े पंडितों के साथ मिले और एक मुसलमान होकर वेदों के ऊपर, गीता के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर जब भी चर्चा हुई तो वो लोग हैरान हो गए। आखिर एक डिबेट अरेंज हुई और पंडितों के उस वक्त के जो मशहूर पंडित थे उनके सामने पीर सदरुद्दीन ने डिबेट की और जीते। तो उन्होंने फिर पीर सदरुद्दीन को सोहदेव का लकब दिया, सोहदेव, ट्रू डेइटी, सच्चा देव, और उनको विग पहनाई, जैसे आज किसी को पीएचडी मिलती है तो उसको गाउन पहनाते हैं, विग पहनाते हैं, स्कार्फ देते हैं। तो पीर सदरुद्दीन ने इस नाम को एडॉप्ट करके अपने बहुत से घिनानों के अंदर कहा भी है, कहे पीर सोहदेव, सतगुर सोहदेव। तो गुरपीर सदरुद्दीन ने बड़े आलिम थे, पीर तो थे ही, और हम पीर उसको कहते हैं कि जिसको इमाम अपॉइंट करता है। पीर कोई मामूली चीज नहीं, जिस तरह इमाम अली मुर्तजा का नूर है, पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर है। और ये शाह पीर खुद खुदा ताला की जात में है। मेरी सब वाजें तो नहीं सुन सकते लोग, 3000 कैसेट हैं इस वक्त। मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि खुदा के नामों में बहुत से नाम हैं उसके, लेकिन जो 99 नेम्स एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के, इनमें दो भाग हैं। एक ऐसे नाम हैं कि जो शमसी हैं, दूसरे नाम हैं वो कुमरी हैं। शमसी नाम वो हैं कि जिन अल से शुरू होते हैं,
और कुमरी नाम वो हैं कि जो या से शुरू होते हैं, लेकिन कहने का मेरा मकसद और है। खुदा के नामों में दो किस्म के नाम हैं। एक वो नाम है कि जिनको हम जलाली नाम कहते हैं। ये बात मैं बैतुल ख्याल की वाज़ों के अंदर अक्सर करता हूं, क्योंकि हमारे पास जो बोल है वो बोल जलाली है कि जमाली है, हमें इस बात का इल्म नहीं, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते हैं। और अरबी जान लेना भी काफी नहीं, उसका इल्म होना चाहिए। जलाली और जमाली दो किस्म के नाम हैं। जलाली नाम वो है कि जिसके अंदर ताकत है, जोर है, गर्मी है और उसके अंदर अथॉरिटी है, जैसे कि अल्लाह उसका जाती नाम है। लेकिन हम जब कहते हैं कि जल जलाल वल इकराम, तो ये जलाली नाम है, मैजेस्टिक नाम है। जिस तरह से पिता जो फादर है वो गर्म है, अथॉरिटेटिव है, डिमांडिंग है, ऐसा खुदा ताला के जो जलाली नाम है वो अथॉरिटेटिव नाम है, गर्म है, पावरफुल है। खुदा ताला के वो नाम के जो जमाली हैं वो मां की तरह ठंडे हैं, टॉलरेंट हैं, जैसे गफूर बख्श देता है, जैसे कि रब पालने वाला मां की तरह पालता है। तो खुदा ताला के ये जो जलाली और जमाली नाम है, इनमें से हम लोगों ने, हम इस्माइली लोगों ने इस नूर को समझने के लिए, इमाम जो है वो जलाली है और इमाम के साथ जो पीर होता है वो जमाली होता है, इसलिए हम कहते हैं इमाम को वो बाप की तरह अथॉरिटेटिव है और पीर मां की तरह ठंडा और माफ कर देने वाला है। हजरत इमाम तालिके भेजता है कि मैं माता और पिता तालिके दुआशीष देता हूं, तो ये इशारा इस तरफ है। पीर जो है वो मां की तरह माफ करने वाला ठंडा है और जो इमाम है वो गर्म है, अथॉरिटेटिव है। तो ये जो हमारे मजहब की जो इनसाइड थिंग्स हैं, हमारे मजहब के अंदर जो सटलिटीज हैं, सिग्निफिकेंट चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना चाहिए। सदर दिन ने कि जो अपने इमाम श्री इस्लाम शाह ने उनको पीरी दी थी, सदरुद्दीन ने दावा किया है कि मोहम्मद का नूर मेरे पास है, और बात सच भी है। हम इस्माइली पीर को ऐसे तो एलएनजी पेंजी पीर तो आप इंडिया पाकिस्तान में जाओ तो बहुत मिलेंगे, मगर जो इस्माइली मजहब के अंदर इमाम और पीर की जो सिग्निफिकेंस और उसके दर्जात हैं वो और हैं। इमाम भी देखो ना, किसी भी छोटी मस्जिद का जो मुल्ला होता है उसको इमाम कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, मगर हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर इमाम जो है वो अल्लाह का नूर है, पीर है मोहम्मद का नूर है। तो पीर सदरुद्दीन ने बहुत सी किताबें लिखी। हमारे मजहब में टोटल 72-73 छोटी बड़ी किताबें हैं, और ये 73 में 630 गिनान की 6 किताबें भी आ जाती हैं। लेकिन बाकी दूसरे बहुत से शास्त्र हैं कि जो अब मिलते भी नहीं। अफ्रीका से लोग दरदागी ने ले आए, कपड़े ले आए, लेकिन गिनानों की किताबें छोड़ आए, क्योंकि उनकी नजर में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। आज हम किताबें ढूंढते हैं, पुरानी किताबें मिलती नहीं। और दूसरी गजब की बात यह हो रही है कि हमारी जमात के अंदर से गुजराती
आहिस्ता आहिस्ता नाबूद हो रही है और हमारा टोटल शास्त्र कच्छी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी इन जबानों के अंदर हमारे गीनान कथे हुए हैं। हमारे मजहब की मुश्किल से मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट दो किताबें हैं, एक है गुरबावली 40 पेज की किताब है पी सदरदीन की, गर्भावली, उसमें डायलॉग के तौर पे पी सदरदीन ने कमाल किया है और वो इस तरह से कि क्रिएशन कैसे हुई और क्यों हुई, किस स्टेजेस के साथ क्रिएशन आती रही। आमतौर पे लोग जो मानते हैं कि खुदा ने फूंक मारी ने सब कुछ खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, उसको बहुत से स्टेजेस में से निकलना पड़ा। और दूसरी मुश्किल किताब जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बुश निरंजन नो या अंडरस्टैंड इनविजिबल, खुदा है वो इनविजिबल है, निरंजन है, उसको देख नहीं सकते, निरूप है, उसकी कोई शेप नहीं, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। तो बुझ निरंजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनविजिबल, मुझे जब यह पैगाम मिला इसके लिए तो चलो मैं हुक्म मानता हूं, मगर यह किताब यूनिवर्सिटी लेवल की है और आम जमायतें जो हैं जमात कॉमनली प्राइमरी लेवल की है। अलबत्ता जमात के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो इन चीजों को समझ सकते हैं। एक स्कॉलर ने बुझ निरंजन का ट्रांसलेशन किया है, सॉरी, और यह जाहिर किया है कि एक्चुअली ये किताब भी सदरदीन की नहीं, एक सूफी फिरका है उन लोगों ने ये बनाई, मगर ये नहीं बता सका कि किसने बनाई, कब बनाई, कहां बनाई। मैं अपने इधर कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का है, यानी कि स्कॉलरली टाइप में है। देखो दिनदारो, हम जब कोई चीज की रिसर्च करते हैं तो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों चीजें पढ़ते हैं। माइनस प्लस दोनों को इकट्ठा करके फिर उसमें से डिडक्शन होती है। ये जो तरीका है हमारे पीरों का, मैंने कहीं भी किसी शास्त्र में इस तरह का तरीका नहीं देखा। ये जो फॉर्मेट है हमारे पीरों ने गिनानों में, खास तौर पे पीर शर्मस ने चालू किया, यानी कि 10-15-16 लाइनें होती हैं, वर्सेस होते हैं, फिर नीचे रेत हमारा साचा साया और नीचे चार दूसरी वराने की कड़ियां होती हैं। इस तरह का फॉर्मेट मैंने कहीं नहीं देखा, किसी मजहब में नहीं। पीशमस ने यह चीज शुरू की और पीशमस की मन समझानी 500 पेज की बुक है और हर पेज के ऊपर 16 वर्सेस हैं, फिर रेतु हमारा साचा साया और चार कड़ियां है वरानी की, यानी कि 16 और 4 20 कड़ियां हर पेज के ऊपर है, 500 पेज की किताब है। और क्या उसके अंदर पीशमस ने हिकमतें,
हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, ऐसी चीजें इकट्ठी कर रखी है। गजल की किताब है, 800 बरस पहले लिखी हुई किताब, उसकी जबान वो पुरानी जबान है, इसके लिए आज किसी को दी जाए वो किताब तो समझ में नहीं आती अच्छी तरह, क्योंकि जबान ऐसी है। इसी तरह से पीर सदरुद्दीन ने जो गढ़वाली लिखी वो भी लगभग ऐसी ही किताब है कि उसके अंदर प्राकृत और संस्कृत ज्यादा यूज की गई है। अब इसके अंदर अरबी फारसी ज्यादा यूज की गई है भुजने रीजन में। मुझे ताज भाई ने फोन किया, मैंने कहा कि मैं इसको मैं जस्टिस नहीं कर सकता, इस किताब को एक आध वॉइस में इसकी सीरीज होनी चाहिए, 32 इसके छुगे हैं और हर छुगे में 7, 8, 10 वर्सेस और फिर वरानी होती है। तो पीशमस ने शुरू किया, पीसदरुद्दीन ने शुरू किया, पीरसन कबीरुद्दीन ने लिखी सेम फॉर्मेट पे, पीरसन कबीरुद्दीन के लड़कों ने भी लिखी। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ इस्माइली तरीका है और जगह नहीं है। अब ये जो किताब है भुज निरंजन, ये सूफी किताब है, खुदा की मोहब्बत से भरी हुई है और इश्क को बड़ा दर्जा दिया है, कुर्बानी है, इसमें बड़े बड़े भेद हैं। अभी पहला शुरुआत जो होती है तो इस अदर दिन कहते हैं कि अति अचरत को एक पहली रे भाई, अति यानी बहुत, मोस्ट अचरत, वंडरफुल, सरप्राइजिंग, मैं एक पजल बोलूं तुम्हें, ए जिस थी हो गए वाट सोहेली रे भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली, एक पजल बताऊं, वंडरफुल है कि उससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। जिस थी हो वे वाट सोहेली, पिया, यहां पिया का मतलब माशूक, यानी के नूर इमाम का अल्लाह, पिया छाना क्यों प्रगट आया रे भाई। पजल ये है कि ये नूर, उसको पहले से कह दिया है कि वो इनविजिबल है, नजर नहीं आता, लेकिन अब कहते हैं मैं तुम्हें एक पजल बताऊं, मैं तुम्हें एक वंडरफुल सीक्रेट बताऊं कि ये छुपा हुआ था, ये जाहिर हो गया, क्या जरूरत पड़ी इसको। दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे, तो हजरत दाऊद, कभी आपने सुना होगा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने जो बुक दी उसका नाम था जबूर, और आप जो बाइबल लो, ओल्ड बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, उसके अंदर पहली किताब जो जेनेसिस है वो तौरात है मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, और उसके बाद साम्स हैं, PSALMS। तो ये जो साम्स हैं ये जबूर है, और वो खुदा ताला ने पोइट्री के फॉर्म में दी और उनको कहा कि गा के सुनाओ। अब उनका जो हलक था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो लोग बदन का काम करने वाले हैं
उनकी आवाज में टेंडरनेस नहीं होती, स्वीटनेस नहीं होती। तो जब बुक मिली तो कहा है खुदाया कौन सुनेगा मेरी बात को, तो खुदा ने उनका हलक टर्न कर दिया। अब किसी को बहुत अच्छे हलक वाले आदमी को सुनते हैं ना, कहते हैं वाह क्या लहन दाऊदी है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह है। अब जो उनको खुदा ने अच्छी आवाज बदल दी, अच्छी आवाज दे दी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब रास्ते से निकलते थे, गाते गाते निकलते थे, लोग अपनी दुकानें छोड़ के बाहर आ जाते थे, आसमान के परिंदे इकट्ठे हो जाते थे, जंगल में से करीब जाएं तो जंगल के जानवर आपके सामने आके बैठ जाते थे और आप जबूर गाया करते थे। हम लोग जो गीनान गाते हैं, ये खुदा ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरी सिफतें गाओ, मेरा वखान करो, मेरी प्रेज करो, गा के करो। तो फिर हम अब कहते हैं कि ये उछाना क्यों प्रकट हुआ। एक अच्छी बात कहूं आपको, हर बात अच्छी है, खुदा ताला रहीम है। अगर खलकत नहीं, क्रिएशन नहीं, तो किस पे रहम करें? कोई है ही नहीं कि जिस पे रहम करे, तो ये रहीम किस काम का? रब है। हाँ, तो अगर खलकत होवे तो उसको पाले पोसे, अनाज देवे, कपड़े देवे। तो खुदा की जो सिफतें हैं, खुदा की जो क्वालिटीज है, खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको काम में लाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए खुदा ने क्रिएशन बनाई है। ये राज है इसमें, ये भेद है इसमें कि खुदा ने सब कुछ बनाया है मोहब्बत से बनाया है, ताकि उसके अंदर जो सिफतें हैं उन सिफतों को वो यूज कर सके। प्यार छाना क्यों प्रगट आया, कौन कौन विषय भेख फिराया, कौन कौन पिया भेख फिराया, यानी छुपा हुआ था अब ये जाहिर हुआ। तो फिर मां बाप कहते हैं कि किस किस रूप में ये गया, अपने आप को किस किस तरह जाहिर किया, जैसी जरूरत पड़ी जाहिर किया। मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के नबी हैं और उलिल अज़्मन पैगंबर हैं, छह पैगंबर ऐसे हैं, छह प्रॉफिट्स जिनको हम सब दूसरों से ऊंचा मानते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे। रसूल उसको कहते हैं जिस पे किताब उतरती है। लोग पूछते हैं या नबी आपने खुदा को देखा? अब वो नबी है, वो तो खुदा को देखते भी हैं, जानते भी हैं, खुदा से बातें करते हैं। तो यहां आके अटक गए, चुप हो गए, जवाब न दिया। टूर पे गए, अल्लाह की आवाज आई, मूसा क्या बात है आज परेशान हो? तो या मौला मुझे लोग पूछते हैं कि तुमने खुदा को देखा। अब यहां देखने का मतलब इंसानी अवतार में किसी फॉर्म के अंदर, क्या कि खुदा की फॉर्म नहीं है। खुदा का जो नूर है वो इनविजिबल है, महज इंसान के अंदर की उसकी जो आत्मा है वही उसको देख सकती है। यहां देखने से मकसद हम जिस तरह सबको देखते हैं इस तरह नहीं, उसकी फीलिंग होती है। जैसे कि एक पेंटर होता है, वो पेंटिंग करने से पहले उसकी कल्पना में वो पेंटिंग पहले से होती है,
और वो अंदर की आंखों से उसको देखता है। कोई आर्किटेक्ट है, उसने बिल्डिंग का प्लान बनाया तो प्लान ऑलरेडी इन हिज माइंड, इन हिज इमेज। मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब यह था, वो खुदा को जानते थे, मानते थे, खुदा के नबी हैं, लेकिन यहां मकसद यह था कि उसको ह्यूमन फॉर्म में या कोई मटेरियल फॉर्म में देख सके, जिसको जाहिर की आंखें देख सके। अल्लाह ताला के नामों में एक नाम है मुबीन, अल मुबीन। मुबीन कहते हैं जाहिर के, जिसको आंख देख सके, हमारी जाहिर की आंख देख सके। सूफी लोग जब यह बात शरीयती मुल्लाओं के सामने करते हैं तो उन लोगों के पास जवाब नहीं होता, फिर खुदा कहता है कि मैं जाहिर हूं कि तुम मुझको इन आंखों से देख सको। ए मुल्ला बता कि यह खुदा किधर है कि जिसको ये आंख देख सके। हम जानते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह लंतरानी, लंतरानी तो मूसा को खुदा ने जवाब दिया, रब्बी अरनी, मेरे रब मैं तुझको देखना चाहता। फरमाया है मूसा लंतरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। लेकिन जब इंसिस्ट किया मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुदा ने अपना जलवा, वहां एक दरख्त था ओक का, ओ एक के ओक की लकड़ी यहां बहुत है हमारे पास कनाडा में, ओक का ट्री था, खुदा ने अपना जलवा उस ट्री पे डाला, उसका पत्ता पत्ता, उसकी ब्रांचेस, उसका स्टेम, सारा दरख्त नूर से चमक उठा। ये जलवा ऐसा तेज था कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, और जिस पहाड़ के ऊपर ये जलवा खुदा ने डाला वो पहाड़ जल के सुरमा बन गया, सुरमा यानी राख बन गया। तो पीर मबक कहते हैं कि वो तो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी उसका मन हुआ कि मैं नजर आऊं, और उसने अपने अलग अलग रूप बनाए, किसी को एक रूप में नजर आया, किसी को दो रूप में नजर आया, अलग अलग रूप है उसके। वो वहद, वहद यानी अकेला था, कसरत में आ गया। इस किताब के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं कि वो वाहिद था, फिर वो कसरत में आ गया यानी मल्टीप्लाई हो गया। हमारी नॉर्मल सेंस में मल्टीप्लाई डिक्शनरी मीनिंग में नहीं, मतलब यह है कि वो बहुत से रूप में चला गया, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, किसी भी तरीके से चला। और आमतौर पे आम मुसलमान शरीयती जो हैं वो खुदा ताला के मुतालिक न जानने की वजह से मैं खुदा ये नहीं कर सकता, अरे उन्होंने खुदा को लिमिटेड बना दिया। जो खुदा को हम ये कहते हैं इन अल्लाह अला कुल शैइन कादिर, वो खुदा के जो हर एक चीज के ऊपर कादिर है यानी मालिक है करने का, हम उसको कहें नहीं खुदा ये नहीं कर सकता, हमने खुदा को लिमिटेड बना दिया। खुदा लिमिटेड नहीं है। यहां मैं मौलाना रूमी की एक बात करता हूं, मेरी आवाजों में है लेकिन अभी यहां मौका को जुदा हो गया। रूमी लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तूर के ऊपर जाते थे, माउंट सिनाई, रास्ते में उनको एक भंगी की तरह ऐसा आदमी मिला कि जो हकीकत में कुछ ऐसी बूटी खाता था कि वो नशे में आ जाता था और अल्लाह अल्लाह करता रहता था। खड़ा हुआ, सलाम किया, या नबी दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह को कहो आज सारा दिन हो गया मुझे मेरी बूटी नहीं मिली,
رحم کرے, اس کا بندہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ایک بوڑھا و ایک بوڑھی, یہ کپل ایک چادر لپیٹی دونوں نے, ٹھٹھر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, ٹھنڈی بہت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اللہ کو عرض کرو, دن رات تیری یاد کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہے کہ ہمارے پاس دو چادریں تھیں, جدی جدی زور کی ہوا آئی, ایک چادر اڑ گئی, اب ہم ایک چادر کے اندر ٹھنڈی سے مرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, اپنا کام ہو گیا تو خدا نے پوچھا, موسیٰ اور کچھ ہے؟ کہتے ہیں, یا اللہ تیرے کو تو معلوم ہے. کہا, دیکھ وہ جو بوڑھا بوڑھی ہے نا, ان کی تو جو ایک ہی چادر باقی رہ گئی تھی وہ بھی میں نے چھین لی ہے. یا اللہ, تو صبح شام تیری تسبیح کرتے ہیں, ہاں ان سے جا کے پوچھ لینا. کیا پوچھوں؟ کہنا, میں نے اللہ کے دربار میں سوئی کے ناک سوراخ میں سے میں نے اونٹوں کی ایک لائن چلتی دیکھی. سوئی کی آنکھ, ہم انگلش میں بولتے ہیں آئی آف دی نیڈل, اس میں دھاگا تو جاتا نہیں ہے, اونٹ کہاں سے جائے گا, لیکن اللہ نے دکھایا بھی. اللہ کہتے ہیں کہ جو فقیر ہے نا, ہاں فقیر نے اللہ کو تھوڑا دم بھی مارا تھا, یا موسیٰ اللہ کو کہنا, جو آج مجھے جو بوٹی نہیں ملی تو لکڑی اٹھا کے کہتا میں تیرا آسمان توڑ دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ, کسی بے وقوفی کی بات کی ہے, تو اسے معاف کر دے. موسیٰ, میں اگر اس کو بوٹی نہ دیتا تو وہ سچ مچ میرا آسمان توڑ دیتا. اوہ, یعنی وہ ایسا درجے کا آدمی ہے کہ خدا کا آسمان توڑ دے رہے. یہ بات اس کو سنا نا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, پہلے وہ بوڑھا بوڑھی ملے, روتے تھے, یار ابھی حال تو دیکھو, آپ نے منہ پھیرایا, زور کی ہوا آئی اور دوسری چادر بھی اڑ گئی, اب یہ ہماری موت نزدیک ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت روتے ہیں. پوچھا نہیں کچھ کہ ادھر کیا ہوا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا سے عرض کی ہے تم پہ رحم کرے, لیکن وہاں ایک میں نے تماشا دیکھا کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. وہ بوڑھا کہتا ہے, یا نبی کیوں جھوٹ بولتے ہو, ڈاگا تو جاتا نہیں, اونٹوں کی قطار کہاں جائے گی, سب اللہ کے ٹھکانے. پتہ لگ گیا کہ ایمان نہیں ہے. جب اس آدمی کے نزدیک پہنچے, وہ دور سے کھڑا ہوا, ہنسنے لگا, ناچنے لگا, کہتا ہے, یا نبی آپ نے منہ پھرایا, ایک آدمی نے آ کے مجھ کو میری چیز دے دی, میں ابھی مستی میں ہوں, خوش ہوں, مجھے بیٹھو بیٹھو, مجھے سناؤ کہ اللہ کے دربار میں کیا دیکھا. جب یہ حقیقت بیان کی, بہت ہسا, کہتے آپ تو نبی ہیں, یا نبی وہ میرا مالک, اونٹوں کی قطار کیا, ساری دنیا سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے. دونوں کے ایمان میں فرق. اب یہ خدا کے الگ الگ روپ ہے, کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے, کسی کو وہ کیسا نظر آتا ہے. تو پھر صدر دن آباد نے جو یہ کتاب میں آگے آگے جاؤ گے, اس میں بڑی بڑی ایسی چیزیں کہی ہیں. لا تھی ان ذات کہا میرے بھائی, لا تھی ان ذات کہاوے, جا کی بات کہیں نو جا میرے بھائی. لا یعنی نتھنگ, انویزیبل, نرنجن, خدا کی جو ذات لا میں تھی,
यानी कुछ भी नहीं था। ला थी उनकी जात का हावे कि जिसकी समझ इंसान को नहीं आती या की बात कही न जावे। खुदा एक ऐसा सीक्रेट है कि इस सीक्रेट को सुलझाना और ये कोड ब्रेक करना उसकी जब मर्जी होती है वही कर सकता है, वगरना नहीं। खुदा ताला को ये अर्ज कर रहे हैं, या खुदाया मुझे तू दीदार दे, जो हमारी कॉमन दुआ है, या मौला दीदार दे, या मौला दीदार दे। कौन सा दीदार, क्योंकि दीदार बहुत है, बहुत सी किस्म के दीदार हैं, हमें कौन सा दीदार चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भी दीदार है, उस दुनिया में भी दीदार है। हमें आज तक रोज ये दुआ मांगते हैं या मौला दीदार दे, लेकिन हमें मालूम नहीं कि दीदार है क्या, दीदार का मतलब क्या। दीदार का मतलब है आंखों से देखना, तो क्या आपने नहीं देखा। हजरत इमाम का जो दीदार किया है ये अल्लाह का दीदार है। बीबी आयशा के साथ नबी करीम बैठे हैं, बातचीत हो रही है, यकायक आयशा ने सवाल किया, या नबी क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं। नॉर्मल जवाब यह है नहीं। ऐन उसी वक्त जवाब देने से पहले सवाल खत्म हुआ और मुर्तजा अली चले आते हैं, दूर थे जरा, फरमाया हां अल्लाह का दीदार होता है। आयशा ये देख अल्लाह के चेहरे वाला आ रहा है। अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है, अली का दीदार अल्लाह का दीदार है। हम इस्माइलियों का जो ईमान है तरीकाए में वो ये है कि हज़रत इमाम है वो अल्लाह का नूर है, नूर तक हमारी आंखें पहुंच नहीं सकती, लेकिन जब हम उसका दीदार, उसके बदन का, उसके चेहरे का दीदार करते हैं तो ये मोमिनों अल्लाह का दीदार है। अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है। तो अब हमको कौन सा दीदार चाहिए, जाहिरी दीदार चाहिए, बातूनी दीदार चाहिए। बातूनी दीदार भी हजारों किस्म के हैं। किसी को बाप के प्यार का दीदार देता है, किसी को मां के प्यार का दीदार देता है, किसी को दोस्त बन के दीदार देता है, किसी को माशूक बन जाता है, किसी का आशिक बन जाता है। हमको कभी ये डिसाइड करने की समझ नहीं आई कैसा दीदार चाहिए, हमको ये डिसाइड करना चाहिए कैसा दीदार चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत कैसी है। मेरे पास $1,00,000 है और क्या इस $1,00,000 से मैं कोई 10-20 मिलियन का कोई मकान लेना चाहूं तो वो मेरी ताकत के बाहर है। इसलिए मैं 1,00,000 के नीचे जो मिलता है वो मैं ले सकता हूं। आप अपने दिल के अंदर यहां ये मॉर्गेज बना लेते हैं, ये मॉर्गेज की हिकमतें दीन में नहीं है। इसके लिए मैंने आपको ये एक मिसाल दी है कि जितने खीसे में या हाथ में रकम है, पैसे हैं, इधर तक हम खरीद सकते हैं। यहां मेरा मतलब पैसों से नहीं, अपनी रूहानी ताकत से है। मेरी रूहानी ताकत इस लायक है कि मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम का दीदार कर सकूं, खुदा तो बहुत दूर है। क्या मेरे अंदर ऐसी ताकत है कि मैं किसी छोटे से छोटे फरिश्ते को देख सकूं, क्योंकि फरिश्तों के अंदर भी बेहिसाब दर्जे हैं।
ये जो मलाइकातुल मुकर्रमीन है, जो अल्लाह के दरबार में रहने वाले फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों का दर्जा पैगंबरों जैसा है। जिब्रील को हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस तरह से जिब्रील को हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं। तो मेरी ये शक्ति है कि किसी फरिश्ते को देख सकूं, इमाम का दीदार तो बहुत दूर है, और दीदार पाने के लिए, दीदार की चाहना करने के लिए उतनी ताकत होनी चाहिए। मूसा बेहोश हो गए, क्या हम होश में रहेंगे? मां को देखो, बच्चे को कुछ खिलाती है अपने दूध से उपरांत कोई दूसरी चीज, तो पहले अपने मुंह में उसको चबा के, पतला करके, नरम करके, रिड्यूस करके, ताकि वो बच्चा हजम कर सके। हमारे पीरों ने ऐसा किया है, डीप इल्म को चबा चबा के, इल्म के हिसाब से उसको इस लेवल पे लेके आए कि हम उसको हजम कर सके। यानी यहां हजम करने का मतलब आप उसको समझ सको। इश्क के जो रास्ते हैं दीनदारों, बड़े निराले हैं। वो जिसको जिस तरह से चाहता है, इस तरह से उससे मिलता है। खुदा के चाहने के रास्ते भी बहुत है। सदरुद्दीन कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये छुपा हुआ पिया ये किस किस भेष में आया कि उसकी बातें समझने में नहीं आती। तो कहते हैं कि जा की बात कही न जाए, डुबकी ले ले गोता खावे रे भाई, डुबकी ले लेके गोता खावे। हे पीर पैगंबर तो न पावे रे भाई। ये महासमुंदर है, आगे आएगा समुंदर का लफ्ज। खुदा की बातें जो हैं वो एक महान समुंदर की तरह है, उसमें बेहिसाब खजाने पड़े हैं। पीर पैगंबरों ने भी इसमें डुबकियां मारी ताकि अंदर से कुछ मोती निकाल सके, लेकिन जो चाहते थे नहीं मिला, क्योंकि खुदा की बातें खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। वो जिस पे राजी हो जावे, अपना सीक्रेट उसको बतावे, वगरना नहीं। महासमुंदर महा अगम, समुंदर कहावे रे भाई, महा अगम समुंदर कहावे। जाको थाक कोई न पावे रे भाई। ये समुंदर है, कितना ऊंडा है, कितने फुट गहरा है, किसी को खबर नहीं। इस समुंदर में गोते खा खा के पैगंबर भी थक गए। यहया नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि एक वक्त में दो दो चार चार नबी भी हुए, अलग अलग जगहों के ऊपर, लोकेशन पे हुए, लेकिन रसूल हमेशा एक ही होता है। एट ए टाइम दो रसूल नहीं होते। ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और उनके साथ यहया नबी थे। यहया को इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। यहया नबी खुदा के इश्क में हमेशा रोया करते थे।
उनका नाम पड़ गया रोते हुए नबी। हमेशा खुदा की जुदाई में रोते रहते थे। एक दफा नदी के किनारे पे, रिवर के किनारे पे बैठे थे, भेड़ों का, शीप का एक बहुत बड़ा ग्रुप दौड़ता चला आता था पानी के लिए, और एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ती थी ये शीप पानी के लिए। ये बेचैनी देख के या नबी खड़े हो गए। पानी के लिए इतनी तलब है खुदाया, ऐसी तलब तेरे लिए मुझे दे, क्योंकि जो नबियों ने जो कुछ भी कहा है वो कमजोर थे या नीचे थे, नहीं, वो हमारे टीचर थे और उन्होंने हमको सिखाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें बनाई। तो यह नबी खड़े हो गए, है खुदाया इनको जो तलब है पानी की, ऐसी तलब दे मुझे। भेड़े आई, पानी पिया और उधर ही किनारे के ऊपर मुंह फिरा लिया। अभी पानी पिया था तो क्या हुआ, यूरिनेट किया, पानी को गंदा किया। ओह ना खुदाया, ना, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो इतनी तलब के बाद ये अंजाम, तलब इतनी कि दौड़ रहे हैं, एक दूसरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, और जब मिल गया तो ये अंजाम, नहीं नहीं खुदाया तुझे जो मंजूर होए मुझे दे। तो मेरा कहने का मकसद यहां इस मिसाल से यह था कि हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं, और इसी तरह से हमें उस परवरदिगार की ताकत का अंदाजा नहीं। तो क्या करना चाहिए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हर वक्त अपने आप को नीचा समझना, अपने गुनाहों की हमने अपने मकसद को समझा नहीं। ह्यूमिलिटी, जमात खाना मौला का घर है, इधर किस तरह बैठो ह्यूमिलिटी में, अपनी औकात को देख के किस तरीके से बैठो। आते हैं लंबे पांव कर लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं। ऐसा भी मैंने देखा है कि मुखी कांवर या पाट के नीचे लंबे पांव करके बैठे होते हैं। बात यह है कि हमने अपने मजहब की जो कर्नल है ना, बदान में खाया। सुल्तान मोहम्मद सदातार फरमाया, तुम छिलटा खाते हो, उसका ऊपर का जो शेल है वो खाते हो, बादाम खाओ। और ये इस सारी किताब के अंदर ऐसी गहरी बातें हमारे पीर ने कही हुई है कि ये एक तस्वीर निकालने से, 5-10 सेंट दे देने से ये मौला हमारा बन जाता है, ऐसा नहीं है। पीर पैगंबरों के हाथ में ना आया, मगर एक बात जरूर है, बच्चे बन के रहो तो बाप उठा के कंधे पे बैठाएगा, लेकिन 25 वर्ष के छोकरे को बाप कंधे पे नहीं बिछाता, डांट डिपट भी करता है और सजा भी देता है। अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी रही और अपने आप को कुछ नहीं समझते रहे, हमारे अंदर बोलने चलने हिलने में हमारी बड़ाई, हमारी ईगो जाहिर होती रहे, वो आदमी खुदा को पसंद नहीं। महागम सुंदर कहावे, जाको पार कोई न पावे रे भाई, जो इस समुंदर में डुबकी खावे। इस समुंदर में खुदा की जात और उसके इल्म का समुंदर, जो कोई इस समुंदर में डुबकी खावे रे भाई,
मर्जिया होए सो मान कलावेर भाई। अब मर्जिविया कौन? सब लोग मर्जिविया नहीं है। मर्जिविया कहते हैं कि जो मोती निकालने के लिए अंदर पानी में जाता है, मोती नीचे तक जाते हैं और वो मोती को ऊपर लाते हैं, इसकी आर्ट है। सब लोग डुबकी नहीं मार सकते, यानी इसमें भी है। मर्जिविया नाम इसलिए कहा गया कि इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है कि शायद अगर उसका सांस टूट गया तो मर जाएगा। हो सकता है कि कोई बड़ा मगर, कोई बड़ी मच्छी उसको पकड़ ले, कोई दूसरा जानवर पकड़ ले, इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो नीचे उतरते हैं। और ये जो मौला का रास्ता है, पिछ सदर दिन कहते हैं, ये ऐसा ही है, जान जोखिम में डालो तो ये मिले। मर्जी विया होवे सो मानक लावे, डुबकी ले ले जन्म गुमावे रे भाई, डुबकी ले ले जन्म गुमावे, वाको थक कबू कृपावे रे भाई। जिंदगी भर डुबकियां मारता रहे हर रोज, शायद किसी दिन उसको मोती मिले, कबूक पावे। अब यहां ये 14 वर्सेस पूरे होते हैं और फिर सतगुरु नूर फिर शमस उनकी तरह हमारे फिर सदरदीन ने रे तू ही साचा साया पियो जी। ए मौला तू ही बिल्कुल सच्चा है, मेरा पिया है, मेरा मालिक है। अभी एक बड़ी अच्छी बात नीचे वरानी में कहते हैं, निराला निरंजन का कहिए कुछ बात रे भाई, निराली कहिए कुछ बात, गूंगे सपना समझ पछतात रे भाई, समझ पछतात। एक मिसाल देते हैं कि एक गुंगा आदमी म्यूट बोल नहीं सकता, रात को उसको सपना आया, बहुत अजीब सपना है, खुशी से बेहाल हो गया। अब वो चाहता है कि अपने यारों दोस्तों को, अपने घर वालों को अपना सपना बयान करे, लेकिन क्या करे, मुंह बंद है। तो वो अंदर ही अंदर समझता है लेकिन पछताता भी है कि बोल नहीं सकता। फिर कहते हैं ये जो है ना मूला, ये निराला है। इंग्लिश में निराले को कहते हैं यूनिक, कि जिस जैसा कोई है ही नहीं, और वो इनविजिबल है,
निराली उसकी बातें हैं, उसकी बातें समझ में नहीं आती। जैसा कि एक गूंगे को सपना आया मगर कह नहीं सकता, मौला की बातें जो जानता है वो म्यूट हो जाता है, कह नहीं सकता, क्योंकि अल्फाज जो है, लैंग्वेज जो है, जबान है, वो उसको उठा नहीं सकती, सिर्फ समझने की बात है। इसलिए ऊपर क्या कहा गया, मर जीविया होना चाहिए और डुबकी मारनी चाहिए, और एक दफा डुबकी नहीं हो, कहते हैं कि डुबकी मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे, जिंदगी भर डुबकी मारता रहे, फिर शायद कभी उसको एक मोती हाथ आवे, तब उसको फिर यू मिलता है। ये सारी किताब ऐसी है, लेकिन आगे चल के और भी ऐसी सख्त हो जाती है। इश्क जो है ना क्रूड है, लव जब आदमी अपने माशूक स्वीट हार्ट को देखता है खुश होता है, उसकी जुदाई में दुख होता है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, मैंने लव के ऊपर जो वाजे किए, मैंने जमात को कहा है कि वेस्टर्न टाइप के जो लोग हैं, यूरोपियन अमेरिकन्स, जिन्होंने ओरिएंट का कोई स्टडी करके एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको मालूम नहीं कि लव क्या है। कोई कोई इनमें है खुदा ताला के बंदे, लेकिन जो मोहब्बत लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं लव हो जाता है, नहीं दिनदार, ये लव नहीं है, ये अट्रैक्शन है, क्योंकि शादी करते हैं तीसरे महीने लड़ते हैं, तो लव किधर गए? लव तो जिंदगी भर रहती है, कभी मिटती नहीं, लव कभी मिटती नहीं, लव जिसको पड़ जाए वो मिट जाता है, लव नहीं मिटती। और लव आग की तरह है कि उसमें आग में जो चीज डालो वो आग बन जाती है। तो हम तो नॉर्मली जो बोलते हैं ना लव, वो लव का लफ्ज बराबर नहीं है। पीरों के गिनानों में जो हमको बताया गया है, मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी भर निकलती नहीं, इंसान को मरोड़ के तेल निकलती है, और इंसान को इस तरह से बना देती है कि उसके अंदर कोई हूंपनी रहती नहीं, जहां आऊं आई ये आया, वहां मोहब्बत भाग जाती है या फिर उसको मारती है। एक छोटा सा सैंपल दूं, इसी किताब का है, पियो यानी माशूक, मौला हमारा, इसके पाठ है पियो कारण, मौला के कारण, जो दुखड़ा सहवे। और ये शाह पीर खुद खुदा ताला की जात में है, मेरी सब वाजें तो नहीं सुन सकते लोग, 3000 कैसेट हैं इस वक्त। मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि खुदा के नामों में बहुत से नाम हैं उसके, लेकिन जो 99 नेम्स एट्रीब्यूट्स हैं खुदा के, इनमें दो भाग हैं। एक ऐसे नाम हैं के जो शमसी हैं, दूसरे नाम हैं वो कुमरी हैं। शमसी नाम वो हैं कि जिन अल से शुरू होते हैं, और कुमरी नाम वो हैं कि जो या से शुरू होते हैं।
लेकिन कहने का मेरा मकसद और है। खुदा के नामों में दो किस्म के नाम हैं। एक वो नाम है कि जिनको हम जलाली नाम कहते हैं। ये बात मैं बैतुल ख्याल की वाज़ों के अंदर अक्सर करता हूं, क्योंकि हमारे पास जो बोल है वो बोल जलाली है कि जमाली है, हमें इस बात का इल्म नहीं, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते हैं। और अरबी जान लेना भी काफी नहीं, उसका इल्म होना चाहिए। जलाली और जमाली दो किस्म के नाम है। जलाली नाम वो है कि जिसके अंदर ताकत है, जोर है, गर्मी है और उसके अंदर अथॉरिटी है, जैसे कि अल्लाह उसका जाती नाम है। लेकिन हम जब कहते हैं कि जल जलाल वल इकराम, तो ये जलाली नाम है, मैजेस्टिक नाम है। जिस तरह से पिता जो फादर है वो गर्म है, अथॉरिटेटिव है, डिमांडिंग है, ऐसा खुदा ताला के जो जलाली नाम है वो अथॉरिटेटिव नाम है, गर्म है, पावरफुल है। खुदा ताला के वो नाम के जो जमाली हैं वो मां की तरह ठंडे हैं, टॉलरेंट हैं, जैसे गफूर बख्श देता है, जैसे कि रब पालने वाला मां की तरह पालता है। तो खुदा ताला के ये जो जलाली और जमाली नाम हैं, इनमें से हम लोगों ने, हम इस्माइली लोगों ने इस नूर को समझने के लिए इमाम जो है वो जलाली है और इमाम के साथ जो पीर होता है वो जमाली होता है, इसलिए हम कहते हैं इमाम को वो बाप की तरह अथॉरिटेटिव है और पीर मां की तरह ठंडा और माफ कर देने वाला है। हजरत इमाम तालिके भेजता है कि मैं माता और पिता तालिके दुआशीष देता हूं, तो ये इशारा इस तरफ है। पीर जो है वो मां की तरह माफ करने वाला ठंडा है और जो इमाम है वो गर्म है, अथॉरिटेटिव है। तो ये जो हमारे मजहब की जो इनसाइड थिंग्स हैं, हमारे मजहब के अंदर जो सटलिटीज हैं, सिग्निफिकेंट चीजें हैं, इन चीजों को हमें समझना चाहिए। फिर सदरुद्दीन ने कि जो अपने इमाम श्री इस्लाम शाह ने उनको पीरी दी थी, फिर सदरुद्दीन ने दावा किया है कि मोहम्मद का नूर मेरे पास है, और बात सच भी है। हम इस्माइली पीर को ऐसे तो रेंजी पेंजी पीर तो आप इंडिया पाकिस्तान में जाओ तो बहुत मिलेंगे, मगर जो इस्माइली मजहब के अंदर इमाम और पीर की जो सिग्निफिकेंस और उसके दर्जात हैं वो और हैं। इमाम भी देखो ना, किसी भी छोटी मस्जिद का जो मुल्ला होता है उसको इमाम कहते हैं, नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं, मगर हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर इमाम जो है वो अल्लाह का नूर है, पीर है मोहम्मद का नूर है। तो पीर सदरुद्दीन ने बहुत सी किताबें लिखी। हमारे मजहब में टोटल 72-73 छोटी बड़ी किताबें हैं, और ये 73 में 630 गिनान की 6 किताबें भी आ जाती हैं। लेकिन बाकी दूसरे बहुत से शास्त्र हैं कि जो अब मिलते भी नहीं। अफ्रीका से लोग दरदागी ने ले आए, कपड़े ले आए, लेकिन गिनानों की किताबें छोड़ आए, क्योंकि उनकी नजर में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। आज हम किताबें ढूंढते हैं, पुरानी किताबें मिलती नहीं। और दूसरी गजब की बात यह हो रही है कि हमारी जमात के अंदर से गुजराती आहिस्ता आहिस्ता नाबूद हो रही है, और हमारा टोटल शास्त्र कच्छी, गुजराती,
सिंधी, पंजाबी, इन जबानों के अंदर हमारे ज्ञान कथे हुए हैं। हमारे मजहब की मुश्किल से मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट दो किताबें हैं। एक है गुरबावली, 40 पेज की किताब है, पिसादरदीन की गुरबावली। उसमें डायलॉग के तौर पे पिसादरदीन ने कमाल किया है, और वो इस तरह से कि क्रिएशन कैसे हुई और क्यों हुई, किस स्टेजेस के साथ क्रिएशन आती रही। आमतौर पे लोग जो मानते हैं कि खुदा ने फूंक मारी ने सब कुछ खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। उसको बहुत से स्टेजेस में से निकलना पड़ा। और दूसरी मुश्किल किताब जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बुश निरंजन, बुश निरंजन, नो या अंडरस्टैंड इनविजिबल। खुदा है वो इनविजिबल है, निरंजन है, उसको देख नहीं सकते। निरूप है, उसकी कोई शेप नहीं है। निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं। तो बुझ निरंजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनविजिबल। मुझे जब ये पैगाम मिला इसके लिए, तो चलो मैं हुक्म मानता हूं, मगर ये किताब यूनिवर्सिटी लेवल की है, और आम जमायतें जो हैं, जमात कॉमनली प्राइमरी लेवल की है। अलबत्ता जमात के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो इन चीजों को समझ सकते हैं। एक स्कॉलर ने बुज निरंजन का ट्रांसलेशन किया है, सॉरी, और ये जाहिर किया है कि एक्चुअली ये किताब भी सदरजीन की नहीं। एक सूफी फिरका है, उन लोगों ने ये बनाई, मगर ये नहीं बता सका कि किसने बनाई, कब बनाई, कहां बनाई। मैं अपने इधर कोई ना कोई ऐसा जरूर बैठा है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का है, यानी कि स्कॉलरली टाइप में है। देखो दिनदारो, हम जब कोई चीज की रिसर्च करते हैं तो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों चीजें पढ़ते हैं। माइनस प्लस दोनों को इकट्ठा करके फिर उसमें से डिडक्शन होती है। ये जो तरीका है हमारे पीरों का, मैंने कहीं भी किसी शास्त्र में इस तरह का तरीका नहीं देखा। ये जो फॉर्मेट है हमारे पीरों ने गिनानों में, खास तौर पे ईशमस ने चालू किया, यानी कि 10 15 16 लाइनें होती हैं, वर्सेस होते हैं, फिर नीचे रेतु हमारा साचा साया, और नीचे चार दूसरी वराने की कड़ियां होती हैं। इस तरह का फॉर्मेट मैंने कहीं नहीं देखा, किसी मजहब में नहीं। पिशमस ने यह चीज शुरू की, और पिशमस की मन समझानी 500 पेज की बुक है, और हर पेज के ऊपर 16 वर्सेस हैं, फिर रेतु हमारा साचा साया, और चार कड़ियां है वरानी की, यानी कि 16 और 4 20 कड़ियां हर पेज के ऊपर है। 500 पेज की किताब है, और क्या उसके अंदर पिशमस ने हिकमतें, हिस्ट्री, साइंस, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी,
ऐसी चीजें इकट्ठी कर रखी है। गजब की किताब है, 800 बरस पहले लिखी हुई किताब, उसकी जबान वो पुरानी जबान है, इसके लिए आज किसी को दी जाए वो किताब तो समझ में नहीं आती अच्छी तरह, क्योंकि जबान ऐसी है। इसी तरह से पीर सदरुद्दीन ने जो गढ़वाली लिखी वो भी लगभग ऐसी ही किताब है कि उसके अंदर प्राकृत और संस्कृत ज्यादा यूज की गई है। अब इसके अंदर अरबी फारसी ज्यादा यूज की गई है बुजने रीजन में। मुझे ताज भाई ने फोन किया, मैंने कहा कि मैं इसको मैं जस्टिस नहीं कर सकता, इस किताब को एक आध वॉइस में इसकी सीरीज होनी चाहिए, 32 इसके छुगे हैं और हर छुगे में 7-8-10 वर्सेस और फिर वरानी होती है। तो पीशमस ने शुरू किया, पीसदरुद्दीन ने शुरू किया, पीर हसन कबीरुद्दीन ने लिखी सेम फॉर्मेट पे, पीर हसन कबीरुद्दीन के लड़कों ने भी लिखी। तो ये जो तरीका है ये सिर्फ इस्माइली तरीका है और जगह नहीं है। अब ये जो किताब है दुष निरंजन, ये सूफी किताब है, खुदा की मोहब्बत से भरी हुई है और इश्क को बड़ा दर्जा दिया है, कुर्बानी है, इसमें बड़े बड़े भेद हैं। अभी पहला शुरुआत जो होती है तो पीरसदरुद्दीन कहते हैं कि अति अचरत कहूं एक पहली भाई, अति यानी बहुत, मोस्ट अचरत वंडरफुल सरप्राइजिंग, मैं एक पजल बोलूं तुम्हें, ए जिस थी हो गए वाट सोहेली रे भाई, मैं तुम्हें एक ऐसी पहेली एक पजल बताऊं वंडरफुल है कि उससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। जिस थी हो वे वाट सोहेली पिया, यहां पिया का मतलब माशूक यानी के नूर इमाम का अल्लाह, पिया छाना क्यों प्रगट आया रे भाई। पजल ये है कि ये नूर उसको पहले से कह दिया है कि वो इनविजिबल है, नजर नहीं आता, लेकिन अब कहते हैं मैं तुम्हें एक पजल बताऊं, मैं तुम्हें एक वंडरफुल सीक्रेट बताऊं कि ये छुपा हुआ था ये जाहिर हो गया, क्या जरूरत पड़ी इसको। दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे तो हजरत दाऊद, कभी आपने सुना होगा तो दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने जो बुक दी उसका नाम था जबूर, और आप जो बाइबल लो ओल्ड बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसके अंदर पहली किताब जो जेनेसिस है वो तौरात है मूसा अलैहि सलाम के ऊपर, और उसके बाद साम्स हैं PSALMS। तो ये जो साम्स हैं ये जबूर है और वो खुदा ताला ने पोइट्री के फॉर्म में दी और उनको कहा कि गा के सुनाओ। अब उनका जो हलक था वो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि जो लोग बदन का काम करने वाले हैं उनकी आवाज में
टेंडरनेस नहीं होती, स्वीटनेस नहीं होती। तो जब बुक मिली तो कहा है खुदा या कौन सुनेगा मेरी बात को, तो खुदा ने उनका हलक टर्न कर दिया। अब किसी को बहुत अच्छे हलक वाले आदमी को सुनते ना कहते वाह क्या लहन दाऊदी है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह है। अब जो उनको खुदा ने अच्छी आवाज बदल दी, अच्छी आवाज दे दी, तो दाऊद अलैहिस्सलाम जब रास्ते से निकलते थे, गाते गाते निकलते थे, लोग अपनी दुकानें छोड़ के बाहर आ जाते थे, आसमान के परिंदे इकट्ठे हो जाते थे, जंगल में से करीब जाए तो जंगल के जानवर आपके सामने आके बैठ जाते थे और आप जबूर गाया करते थे। हम लोग जो गीनान गाते हैं, ये खुदा ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरी सिफतें गाओ, मेरा वखान करो, मेरी प्रेज करो, गा के करो। तो फिर मुबाब कहते हैं कि पियो छाना क्यों प्रकट हुआ। एक अच्छी बात कहूं आपको, हर बात अच्छी है, खुदा ताला रहीम है। हाँ, अगर खलकत नहीं, क्रिएशन नहीं, तो किस पे रहम करें? कोई है ही नहीं कि जिस पे रहम करे, तो ये रहीम किस काम का? रब है। हाँ, तो अगर खलकत होवे तो उसको पाले पोसे, अनाज देवे, कपड़े देवे। तो खुदा की जो सिफतें हैं, खुदा की जो क्वालिटीज है, खुदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको काम में लाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए खुदा ने क्रिएशन बनाई है। ये राज है इसमें, ये भेद है इसमें कि खुदा ने सब कुछ बनाया है मोहब्बत से बनाया है, ताकि उसके अंदर जो सिफतें हैं उन सिफतों को वो यूज कर सके। पिया छाना क्यों प्रगट आया, कौन कौन विषय भेख फिरा।